हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है व्रत के पकोड़े। जो मैं व्रत के पकोड़े की आपको रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी, क्विक और 5-10 मिनट में बनने वाली है। और ये जो पकोड़े होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिए हैं आप जो शेप में चाहें उस शेप में काट सकते हैं, बड़े छोटे चकोर, बड़े बड़े लोग काटते हैं, पर मैं छोटे बना रही हूँ आज। तो ये देख सकते हैं मैंने इस शेप में आलू काट लिए, इसे मैंने धो लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, मैंने अदरक कद्दूकस करी हुई है, मैं अदरक डाल रही हूँ। हरी मिर्चें काट के रखी हुई है, मैं हरी मिर्चें डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, धनिया पाउडर डाल दिया मैंने। आमचूर पाउडर डाल दीजिए, इसमें हम सेंधा नमक डाल रहे हैं क्योंकि व्रत का बना रहे हैं इसलिए सेंधा नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद आए। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। हम हाथ का यूज करेंगे, आप चाहो तो करछी या चम्मच से भी हिला सकते हो। तो इन इंग्रेडिएंट्स को पहले मैं हल्के हल्के हाथों से मिला ले रही हूँ जिससे जो मसाले हैं हर आलू में पहुंच जाएं। तो मैंने मसालों को मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, आटा डालूंगी मैं, व्रत का आटा डालूंगी। आप चाहें तो सिंगाड़े का आटा डाल सकते हैं और जो भी आते हैं कुट्टू का आटा आता है कुट्टू का आटा डाल सकते हैं, पर आज जिसके मैं जिस आटे से बनाने जा रही हूँ पकोड़े वो है सौंग का आटा। तो मैं सौंग का आटा डालूंगी इसमें, देख लीजिएगा कितना जाएगा जैसे आपने आलू लिए उस हिसाब से। इनको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। मैंने इस आटे को भी इसे अच्छे से मिला दिया, आप भी ऐसे मिला लीजिए। ये जो मैं आपको पकोड़े की रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही जल्दी बन जाती है, 10 मिनट में आपके पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रंची और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे कोई भी आटा ले सकते हैं, चाहे जो भी मन करे आपका, कुट्टू का, सौंग का, चाहे सिंगाड़े का। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी मत कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा। ये देखिए मैं इसमें, आपको हर आलू को अच्छे से आटे और मसाले के साथ कोट करना है। ये नहीं हो कि कुछ मसाले, कुछ आलू आपके कोट हो गए और कुछ आलू आपके कोट ही ना हो पाए। हल्का पानी और मिलाएंगे। देख रहे हैं आप जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के देख रही हूँ। अभी भी ये थोड़ा कसा हुआ है तो थोड़ा पानी और मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें कम से कम मेरा आधे ग्लास से थोड़ा कम पानी गया है। आप जिस शेप में आलू काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं, बड़े छोटे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मीनवाइल मैंने यहाँ पर
मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल जो यूज़ किया है वो सनफ्लावर किया है, क्योंकि सनफ्लावर जो रिफाइंड होता है हम व्रत में खा सकते हैं, इसलिए आप चाहे मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये ऊपर ही खड़ा है, आप देख सकते हैं, मतलब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अगर तेल गर्म नहीं हुआ होता तो ये जाके नीचे बैठ जाता, तो ये हमारा सिग्नल है कि हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक टिप बताई है, बिल्कुल सावधानी से आप पकौड़े डालें, क्योंकि सड़ने का भी थोड़ा होता है। एक बार मैंने पकौड़ों को पलट दिया है, देख लीजिए आप, आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल हम हटा देंगे और अपने पकौड़े निकाल लेंगे। अब मैं अपना नेक्स्ट बैच डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। पकोड़े के साथ मैंने अपनी चाय बना लिया है, क्योंकि पकोड़े चाय के बिना अधूरे होती है। तो पकोड़े जो है, पकोड़े और चाय दोनों पार्टनर है। अगर आप भी यही मानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं हमारे पकोड़े कितने ज्यादा क्रंची बने हैं। ये देखिए इसकी आवाज, देखिए आवाज सुनिए, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रंची, टेस्टी और 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी मोर अमेजिंग वीडियोस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।